नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज हम मेकअप के उन सभी सामानों का नाम हिंदी और इंग्लिश में एक एक करके जानेंगे, जिससे लड़कियां, औरतें मेकअप करके सुंदर दिखती हैं और सजती धजती हैं, और जिससे उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देखना मिस न करें। सब्सक्राइब करने में पैसा कोई थोड़े ना लगता है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार को इंग्लिश में मेकअप बोला जाता है। सौंदर्यवर्धक सामग्री, सौंदर्यवर्धक सामग्री को इंग्लिश में कॉस्मेटिक बोला जाता है। ये है ब्रश, इसे इंग्लिश में मेकअप ब्रश बोला जाता है। ये है श्रृंगार स्पंज, श्रृंगार स्पंज को इंग्लिश में मेकअप स्पंज बोला जाता है। ये है त्वचा की क्रीम, इंग्लिश में इसे मॉइस्चराइजर बोला जाता है। ये है गालों पर लगाने वाली क्रीम, इंग्लिश में इसे ब्लशर बोला जाता है। ये है मुंह धोने का, इंग्लिश में इसे फेस वॉश बोला जाता है। ये है खुशबूदार पाउडर, खुशबूदार पाउडर को इंग्लिश में टेलीकम पाउडर बोला जाता है। ये है कंसीलर, कंसीलर को इंग्लिश में भी कंसीलर ही बोला जाता है। ये है फाउंडेशन, फाउंडेशन को इंग्लिश में भी फाउंडेशन ही बोला जाता है। ये है समोच्च, समोच्च को इंग्लिश में ब्रॉन्जर बोला जाता है। ये है सीरम, सीरम को इंग्लिश में भी सीरम ही बोला जाता है। ये है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी को इंग्लिश में ट्यूलर्स अर्थ बोला जाता है। ये है होठ पेंसिल, होठ पेंसिल को इंग्लिश में लिप लाइनर बोला जाता है। ये है होठ लाली, होठ लाली को इंग्लिश में लिपस्टिक बोला जाता है। ये है होठ पर लगाने वाला, होठ पर लगाने वाले को इंग्लिश में लिप ग्लॉस बोला जाता है। ये है आंखों का रंग, आंखों का रंग को इंग्लिश में आई शेडो बोला जाता है। ये है पलकों को मोड़ने का उपकरण, इसे इंग्लिश में आई लैश कर्लर बोला जाता है। ये है ब्राउनियों का अंजन, इसे इंग्लिश में मस्कारा बोला जाता है। ये है काजल, काजल को इंग्लिश में कोल बोला जाता है। ये है बिंदी, बिंदी को इंग्लिश में भी बिंदी ही बोला जाता है। ये है सिंदूर, सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन बोला जाता है। ये है बालों की रबड़, बालों की रबड़ को इंग्लिश में हेयर टाई बोला जाता है। ये है बालों का बैंड, इसे इंग्लिश में हेयर बैंड या हेड बैंड बोला जाता है। ये है बालों की चिमटी, बालों की चिमटी को इंग्लिश में बॉबी पिन बोला जाता है। ये है चिमटी, चिमटी को इंग्लिश में सेफ्टी पिन बोला जाता है। ये है गजरा, गजरा को इंग्लिश में वृत्त बोला जाता है। ये है नाखूनों को साफ करने का उपकरण, इसे इंग्लिश में वुडन मैनिक्योर स्टिक बोला जाता है। ये है नकली नाखून,
नकली नाखून को इंग्लिश में आर्टिफिशियल नेल बोला जाता है। ये है नाखूनी। नाखूनी को इंग्लिश में नेल पॉलिश बोला जाता है। ये है नाखूनी हटाने वाला, इसे इंग्लिश में नेल पॉलिश रिमूवर बोला जाता है। ये है मेहंदी। मेहंदी को इंग्लिश में हैना बोला जाता है। ये है दुर्गंध नाशक। दुर्गंध नाशक को इंग्लिश में डियोडरेंट बोला जाता है। ये है इत्र। इत्र को इंग्लिश में परफ्यूम बोला जाता है। और आज का सवाल, सौंदर्यवर्धक सामग्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। जब तक खुश रहिए, आवाज रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।